गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू AM फैमिली। दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि आप सबको। और जैसे आप सुन सकते हैं पूजा शुरू हो चुकी है क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं सुबह 9 बजे डॉट वो आ चुके थे। उन्होंने 9 बजे बोला था, वो 9 बजे ठीक टाइम से आ गए। तो पूजा स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपने लगी हूँ काम पे। सुबह मैं उठ गई थी, सब तैयारी व्यारी पंडित जी की पहले से भी कर दी थी और भगवान को नहला के उनको भी रेडी वेडी कर देता। आज उनको एकदम नए कपड़े वपड़े सब पहना के बिल्कुल अच्छे से रेडी कर चुकी हूँ। बस थोड़ा सा खुद से रेडी नहीं हो पाई हूँ, कोई नहीं, वो दोपहर में जब टाइम मिलेगा तब थोड़ा सा अपने ठीक ठाक कर लूँगी। अभी फिलहाल पूजा शुरू हो चुकी है, ये बैठ चुके हैं तो दिखाती हूँ आपको। स्मृति वेदोक्तम पुराणोक्तम शुभ फल प्राप्ति अर्थम उत्तम आयु आरोग्यता ऐश्वर्यादि अभि प्रत्यर्थम स्थिर धन सुख संपत्ति प्राप्त स्थिर लक्ष्मी चिरकाल पर्यंत सन रक्षणार्थम सकल। ये है मेरे भगवान जी जो कि पूरे अच्छे तरीके से सुबह से रेडी होके बैठे हुए हैं, नए नए कपड़े पहनकर, नए नए बिल्कुल माले वाले सब पहन के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो देखा आपने मेरे भगवान जी कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं और उनको बैठा चुकी हूँ बहुत सुंदर से और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं भी हाँ अब थोड़ा जाके रेडी हुई हूँ, थोड़ा बहुत बाल अभी भी नहीं किए हैं क्योंकि किचन में भी करना, इधर भी करना, उधर पंडित जी के संग भी थोड़ा बहुत लगना पड़ता है, वो कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उनको, तो उसी सब में लगी हुई थी। बट अभी पंडित जी पूजा यहाँ पे बैठा के देवी जी को स्थापना करके, ये देखिए स्थापना करके और थोड़ी बहुत पूजा करके प्रसाद देके अभी तो चले गए हैं। बट अभी थोड़ी देर में फिर आएंगे, वो पाठ करने फिर आएंगे, तो क्योंकि उनको और भी जगह जाना था इसलिए उन्होंने इस समय भी पाठ नहीं किया, अदरवाइज वो सवेरे ही कर देते हैं, कल से वो प्रॉपर सवेरे ही आके करेंगे। बट आज उन्हें सब जगह स्थापना करनी है, उनके और भी जगह जाना था तो सुबह पहले मेरे यहाँ अच्छे मुहूर्त में आकर सही टाइम पे उन्होंने स्थापना कर दी। देवी जी को बिठा दिया है, सब कुछ कर दिया, जय लगा दी है, जय मतलब वही जौ सभी को पता होगा, तो वो लगा दिया है, सब बैठा दिया है। मंदिर मेरा तो पहले से ही मैंने बना दिया था, साफ सुथरा कर दिया था और ये पंडित जी ने कर दिया, सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं किचन में लगी हुई हूँ, वही फास्ट का सब मेरा तो फास्ट है, मैंने बस चाय पी ली है जब पंडित जी ने यहाँ पे स्थापना कर दी, उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। तो आज तो सारा दिन बस चाय पे जीना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब रेडी हो चुके हैं। दिखाती हूँ मैं, आओ। तो मैडम भी रेडी हो चुकी हैं तो आपको दिखाते हैं कि वो कैसे रेडी हुई हैं। तो ये रेडी हो चुकी हैं, तो छुप क्यों रही हैं आप, प्रॉपर दिखाइए। इन्होंने फिर से लबादा पहन लिया है, किसी एक को पहननी चाहिए थी। हाँ आप पहन लें क्योंकि मुझसे नहीं चली जाती, मेरे लिए ये एक टॉर्चर है, ये 6 गज का जो है ना। और मैं अपनी लाइफ में बहुत जितनी मुझे शौक था, जब मेरे टाइम पे था मुझे भी बहुत शौक था, मैंने पहन लिया, अब ये सारा शौक उतर चुका है बुखार की तरह और मुझे चढ़ाना भी नहीं है। बुखार चढ़ जाए वो ठीक है बट ये साड़ी का बुखार मुझसे नहीं चढ़ा। तो आप ये अपना पूरा लुक दिखा लीजिए अच्छे से ताकि आपके लिए कमेंट्स आए अच्छे अच्छे और साड़ी पहन के करना क्या है, बर्तन धोने हैं। हाँ बर्तन नहीं धोने मुझे। तो तुम्हारे लिए तो कमेंट आया था ना, तुम्हारे फ्रेंड ने किया था। नहीं बर्तन नहीं धोने मुझे। अच्छा तो इनके फ्रेंड ने एक ने चैलेंज वाले में किया है कि इतने कटोरियां जो आपने यूज की हैं पहले जाओ उसको धो के आओ। तो अब दूसरा कोई फ्रेंड ना कर देगी साड़ी पहन, या वही वाला ये फ्रेंड करेगा कि साड़ी पहनी है अब साड़ी धो। साड़ी नहीं धुलती। ले साड़ी धुलती नहीं है क्या, फिर यूजर थोड़ा अंदर टांग दो। ये देखे पॉइंट, साड़ी नहीं धुलती क्यों, क्योंकि इन्होंने कभी धोई नहीं, इन्होंने कभी देखा भी नहीं कि साड़ी धुली। साड़ी धुलती है, सूखती है, प्रेस भी होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बस बाजार से आती है आपने पहनी और उसके बाद तो, क्योंकि ये तो कुछ उसको करती नहीं है ना, वो तो उसके बाद तो केयर तो हमें करनी पड़ती है, आप तो बस पहन के खड़ी हो जाती है, उसके बाद उसकी केयर मुझे करनी पड़ती है, हम आप तो उतारी फेंक दी क्या दी यूज़न। तो जिसने भी वो किया था ना बर्तन धो जागे, वो इनको बता देना कि साड़ी कैसे धुलती है, ये अपना साड़ी धोएंगी और फिर मुझे देंगी, ठीक है। तो चलो किचन में भी काम बहुत बड़ा है करके, मतलब काम हम पूरा खत्म कर लूं फिर मिलती हूँ आपसे। और पंडित जी भी तो अभी शाम को आएंगे, फिर भी मिलना है, उनसे भी मिलना है तो उनसे मिलवाऊंगी शाम को, तो मिलती हूँ थोड़ा काम कर लूं। तो सर पंडित जी आ चुके हैं, जैसा बोला था कि वो 4 बजे डॉट आ जाएंगे, वो 4 बजे डॉट आ चुके हैं और पाठ भी शुरू कर दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पाठ कर रहे हैं और जोर से बोलना अच्छी बात नहीं होगी, उनको डिस्टर्ब हो सकता है, तो
मैं आपको दिखाती हूँ पाठ कर रहे तो अभी उनको लगेगा टाइम, फिर उसके बाद उनके लिए बनाऊंगी चाय, हम लोग भी पी लेंगे उसी समय चाय, और तब तक थोड़ी देर हम लोग भी पूजा में बैठते आते हैं, और आरती तो खैर कराने के लिए बुलाएंगे ही, तो थोड़ी देर बैठते हैं पूजा में और फिर मिलते हैं जब उनके लिए चाय बनाऊंगी। दोस्तों बज गए हैं 7:00, तो मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि उसके बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ या ले सकती हूँ। तो इधर की तो मैंने दिया आती कर दी है, पंडित जी भी कर गए हैं, मैंने भी कर लिया है, बट मंदिर में एक बार दिया जला के आती हूँ, फिर कुछ अपने लिए बना बनो के घर खाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मंदिर में, आपको दिखाती हूँ मंदिर भी। आप मैंने बोला था ना कि मैं जब नवरात्रि में जाऊँगी तो आपको प्रॉपर अपना मंदिर पूरा दिखाऊंगी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। दोस्तों बज गए हैं 7:00, तो मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि उसके बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ या ले सकती हूँ। तो घर की तो मैंने दिया आती कर दी है, पंडित जी भी कर गए हैं, मैंने भी कर लिया है, बट मंदिर में एक बार दिया जला के आती हूँ, फिर कुछ अपने लिए बना बनो के घर खाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मंदिर में, आपको दिखाती हूँ मंदिर भी। आप मैंने बोला था ना कि मैं जब नवरात्रि में जाऊँगी तो आपको प्रॉपर अपना मंदिर पूरा दिखाऊंगी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो पहली बार हाँ इनका लुक चेंज हो चुका है, ज़्यादा देर के लिए साड़ी नहीं थी। दोस्तों काफ़ी अंधेरा है, हम लोग बहुत ही स्ट्रगल करके जा रहे हैं, हम लोग फंस चुके थे वो तो कल बारिश में फंसे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बाद भी फंसे हुए हम लोग, आए दिन फंसे ही जाते हैं, पता नहीं कितने ज़्यादा फंसते हैं। मंदिर जाने के लिए स्ट्रगल हो रहा है, अंधेरी रातों में हम लोग बाहर भटक रहे हैं, तो अब थोड़ी लाइट आ गई है तो कुछ दिख रहा है, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं फंसे हुए, तो चलिए अब सीधे मिलते हैं मंदिर पे। तो मंदिर तो हम लोग पहुँच गए हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद, तो दिखाती हूँ आपको मंदिर। ये है मंदिर, आप देख ही चुके काफी लोग सुबह सुबह मैं आती थी, आप लोगों ने देखा होगा। रूप कराल काली को धारा से
दोस्तों आपने देखा काफी अच्छा है, छोटा सा है, साफ सुथरा है और मैं ब्रोज आपको चलिए नीचे भी है। कुछ दर्शन कर चुकी हूँ, अब चलती हूँ घर। बीच में मैंने सामने दुकान थी तो दिए ले लिए क्योंकि रोज मुझे एक चाहिए होगा और इस बार मैंने खरीदना भूल गई थी तो चुपचाप पैसे लेके आई थी और खरीद लिया। क्योंकि इनको बताती तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते कि इतना लिस्ट बनती है, इतना सामान लिया जाता है, कुछ ना कुछ। मैंने आपको बताया पहले भी ना, मैं जितनी भी लिस्ट बनाती हूँ सब बकवासी होती है क्योंकि लिस्ट आधा टाइम घर में रह जाती और अगर ले भी जाते हैं तो उसमें से 50% आता है, 50% हम फिर भी रह जाता है। तो खैर इस बार कुछ नहीं खास, अभी तक तो एक ही आइटम ऐसा था कि दियालियाँ भूल गई थी क्योंकि रोज एक मंदिर के दिन में बहुत कुछ नहीं खरीदा। आप पता नहीं हो सकता इंसान ये रह गया अब रह गया, कोई नहीं ले तो लिया ना, मिल तो जाता है ना सर, तो ले लिया। तो अब फिर से स्ट्रगल करके हम लोग घर जा रहे हैं, काफी मेहनत, और फिर हम लोग खाना खाएंगे पूरा दिन से क्योंकि कुछ खाया नहीं है, एनर्जी लेवल कम है। फिर अपने बारे में बताना, हम लोग के बारे में। तो तुम लोग बस आज नहीं खाई हो और सुबह से खा रही हो। मैंने नमक नहीं खाया, मैं एक ही टाइम नमक खाती हूँ शाम के टाइम, तो अब खाऊंगी। तो चलिए मिलते हो घर पे। तो हम लोग घर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे गेट के बाहर ये चार पहरेदार हमेशा पड़े ही रहते हैं जिनकी वजह से आना जाना दूभर हो जाता है। तो ये देखिए हर वक्त एकदम मेरे गेट पे ही रहते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं, बॉडीगार्ड्स बाहर ही रह गए हैं हमारे। बॉडीगार्ड्स को हम डराते जा रहे हैं, तुम डरो नहीं तो वो डराएंगे नहीं। दोस्तों ये बताओ कि ये कौन सी पिक्चर मैं घर देख रही हूँ। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। और नवरात्रि का पहला दिन हो चुका है समाप्त और मिलते हैं कल। जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तो दूसरा दिन ऑलरेडी लग चुका होगा, तो मिलते हैं, अब मिलते हैं तीसरे दिन पे। तो तब तक के लिए जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय।